बैक इन अदर ब्लॉग। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिनों से मैं कहाँ हूँ, मैं बताता हूँ, तफसील से बताऊँ। तो आज के जो मेरा ब्लॉग है स्टार्ट होता है यहीं से। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मेरे साथ जो जो हुआ है वो मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, शुरू से लेके अभी तक जो जो मैंने किया है वो मैंने हल्की हल्की जो है वो पॉइंट्स रिकॉर्ड करके रखी हैं। क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे मैंने शायद ब्लॉगिंग छोड़ दिए, मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दिए। तो ब्लॉगिंग मैं कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि ब्लॉगिंग से मेरा प्यार है। तो हमेशा ब्लॉग बनते रहेंगे, पर थोड़ा स्लो हो गया हूँ। आप लोगों को मैंने पहले वाला ब्लॉग दिखाया था कि मैंने आईबैक्स ज्वाइन किए, वो जॉब मेरी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से मैं थोड़ा बिजी था, जॉब चल रही थी तो उसमें थोड़ा बिजी था, जैसे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। ब्लॉग कभी मेरे एंड नहीं होंगे, हम मेरे साथ जुड़िए रहिए। आप मैं आपको दिखाता हूँ मेरा सीन क्या था। मैं आपको बताया था कि मेरी आईबैक्स में जॉब हुई, मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में जो पीछे वाला ब्लॉग था उसमें बताया था। तो तब से मेरी जो है ट्रेनिंग स्टार्ट थी, ट्रेनिंग 15 दिन हमारी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद मैं जो है फ्लोर पे लाइव हुआ, लाइव होने के बाद अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह लाइव ही हूँ। तो सैलरी वो मेरी बन रही थी, मैंने ज्वाइन इसलिए किया कि बहुत बोर होता था घर पे बैठ के। ब्लॉगिंग में आपकी इतनी सपोर्ट नहीं रही थी मेरे साथ, अगर उतनी सपोर्ट रहती मोनेटाइज हो जाता तो जॉब मुश्किल थी। पर खैर हो जाएगा इंशाल्लाह, आप लोगों की आगे भी सपोर्ट होगी, हो जाएगा। पर सीन ये, तो इस वजह से मैंने जॉब स्टार्ट की, मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की। मैंने कुछ ट्रेनिंग की वीडियोस बनाई थी जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसी व्लॉग में, आप देख लें, मैं फिर आपको आगे बताता हूँ। गाइस हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का मेरा जो व्लॉग है स्टार्ट होता है यहीं से, और अभी मैं बैठा हूँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ आईबैक्स पे। और अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम, और ये हमारा उज़ैर भाई है। तो गाइस ये जो है हमारा पोर्टल है जेस का, और ये मैं नहीं दिखा सकता, इस पर हम वर्क करते हैं। और ये मेरा पीसी है, सेटअप सारा है यहाँ पे, मैं आईबैक्स में काम करता हूँ। ये मेरा कार्ड है, अभी ट्रेनिंग कार्ड चल रहा है और एसएस कार्ड हमें मिलेगा। और इंशाल्लाह आपके भाई की जैसे ट्रेनिंग पूरी हुई, आज से मैं संडे पे भर रहा हूँ, और जैसे आपके भाई की ट्रेनिंग पूरी होगी उसके बाद आपके भाई के व्लॉग फिर भी संडे पे ही आएंगे। बस दुआ करें मेरा सिलेक्शन जैसे हो जाएगी उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये हमारी पूरी संगत बैठी हुई है, अभी हमारा ब्रेक चल रहा है, 10 मिनट का ब्रेक है, ज़बरदस्ती लिया है, मिल नहीं रहा था, ज़बरदस्ती लिया है हमने। चलिए मैं फारिग हो गया हूँ, और अभी बज रहे हैं 4:53, और अभी हम जाएंगे सीधा घर, वहाँ से फ्रेश व्रेश होके फिर मिलते हैं आपको रात में, क्योंकि रात में हमें जाना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अल्लाह हाफिज़ करते हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो सीन ये है कि ये हमारी ट्रेनिंग है, वहाँ पे थे हम जब जैज में, वहाँ पे जैज कंपनी में जैज हमारा वो था, तो उसमें जब थे हम, तो ये सीन था ट्रेनिंग का। और ट्रेनिंग के बाद जो है हमारा उसके बाद लाइव हुआ है। अभी लाइव का मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलो नहीं होता, ऊपर फ्लोर पे फ़ोन भी अलो नहीं होता, हमारा फ़ोन जो होता है वो लॉकर में होता है, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, हो सकता है ना भी बनाऊँ क्योंकि वहाँ पे फ़ोन बिल्कुल अलो नहीं है। उसके बाद बताना चाहूँ कि शायद के चाचू वाले आ गए थे, हमने सीधा शराह फैसल लेके हम गए थे सीधा ही सीधा कोयला शाह पे। तो गाइस फाइनली सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी हमारा प्रोग्राम है वो चेंज हो गया, कल हम जाएंगे रमादा और अभी हम जा रहे हैं डिफेंस। तो गाइस फाइनली हमारी बेबी जो है स्विफ्ट वो रेडी हो चुकी है चलने के लिए। तो हम जा रहे हैं सीधा नजीब के पास, डिफेंस जाएं और नजीब के पास ना जाएं, ऐसा हो सकता है। फाइनली हम पहुँच गए, अभी जो है मैं पहुँचा हूँ डिफेंस फेज 2, और यहाँ पर मैं नजीब का इंतज़ार कर रहा हूँ। नजीब ऊपर से आ रहा है मेरे पास, नजीब आए उसको लेते हैं फिर चलते हैं कहीं चाय शाय पीने, चाय शाय पीते हैं। तो गाइस फाइनली नजीब निकल रहा है, तो इसको देखते हैं अभी जैसे निकले इससे बात करते हैं। इतनी देर के अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो सर चलो, आपके लिए गाड़ी खड़ी करी हुई है, बंद करो इसको, चलो सर चलो। नजीब आया हुआ है, इसको ना मुंह में लग रही है ना इसकी जो आंखें हैं ना वो लाल हो चुकी हैं, चल रहा है। अच्छा अभी उठे तभी वो तुम लाल बोल रहे हो, खिदमत क्या कर रहे हो ये बताओ, कौन हो? मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई। वफ़ा
साहिलों का तू कनारा है। कहो न कहो ये आंखें बोलती है ओ सनम ओ मेरे सनम हम सीधा गए ट्रैक पे, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी आप देख लें। गाड़ी जा रही है शशके के साथ। कि भाई रिव्यू दो, पैसे वसूल भाई, क्या इसको देख के नहीं लातिना को देख। तो ये भाई बाइक जा रही है भाई। ये जो है मानते कार है, ओए 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 वाले अभी भाई जा रहे हैं। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि बहुत मुश्किल हो गई है लाइफ, रात को जाना यूनिवर्सिटी जाना, उसके बाद यूनिवर्सिटी के बाद जॉब पे जाना, जॉब के बाद आके सो जाना। तो इस बीच में जो है ना मेरा ब्लॉगिंग एडिटिंग और वो जो था, आपको पता है कि ब्लॉगिंग बहुत मुश्किल होती है, जिसके लिए आपको 3 से 4 घंटे देने पड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग को। तो इसलिए मेरी जो ब्लॉगिंग है थोड़ी मुश्किल हो रही है, पर इंशाल्लाह इजी हो जाएगी। जो है कि टाइम से जब मैं सीखता जाऊंगा तो मुझे जॉब करना इजी लग जाएगी, उसके बाद जो है ब्लॉगिंग मेरी कंटिन्यू रहेगी, फिर मेरी जो ब्लॉगिंग है वो इजी हो जाएगी। तो मेरे चैनल के साथ जुड़ी रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चुल्स वाले ब्लॉग आएंगे, ये मेरा शॉर्ट्स ब्लॉग था, ये मैंने इसलिए रखा है कि जैसे
मेरे फैंस को पता चले कि मैं ब्लॉगिंग बंद नहीं करूंगा। बहुत लोगों ने मैसेज किया कि तुमने ब्लॉगिंग बंद कर दी, बहुत लोगों कह रहे हैं कि वो मेरे ने ब्लॉगिंग बंद कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्लॉगिंग स्टार्ट रहेगी, आप लोगों का साथ रहिए। भाई लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मेरा जो आज का ब्लॉग था वो यही था, शॉर्ट था, पर मज़ा आएगा अगले व्लॉग्स में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।